काफी बच्चों को गुरुकुल में खाने की दिक्कत रहती है, तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? बिल जमा करके कैसा लगा? मेरा से बात की आपको मैनेजमेंट का व्यवहार और मैनेजमेंट कैसा लगा? अभी भाई हमारे साथ एक मिले हैं जो कि 5 से 6 दिन हो गया, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि गुरुकुल में इनका कैसा एक्सपीरियंस है। आज 5 से 6 दिन है। हाँ तो भाई हेलो जी। हेलो भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। बिहार से है, भोजपुरी आती है? जी अच्छे से आती है। अच्छा जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं पिछले 27 नवंबर को फाउंडेशन बैच समालखा में एडमिशन लिया हूँ और अभी तक मैंने ये गेन किया है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है पढ़ाई में, ना चाहते हुए भी हमें पढ़नी पड़ती है, सबसे बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी तो ये है। हाँ जी हाँ जी। और अगर यही कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक ना हो तो 6 महीने काफ़ी है। अच्छा, और आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगी जो घर पे वो चीज़ें नहीं कर सकते यहाँ पे कर रहे हैं? हम कुछ ऐसे 10% भी इरिटेट होते थे घर पे तो 100% पढ़ाई छोड़ देते थे। यहाँ क्या है कि हम कितने भी इरिटेट हो पढ़ना पढ़ाई हमें करनी ही है। हाँ जी हाँ जी, चाहे चाहत हो या ना हो पढ़ाई हमें करनी ही है। हाँ, नहीं पढ़ेंगे तभी भी पढ़ाया जाएगा। हाँ, तभी भी पढ़ाया जाएगा, ये मुझे अच्छी लगती है। क्या सही में तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आके खत्म हो गए? अभी तक तो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म है और आगे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में? मेरे पर्सनली मेरे साथ जो डिस्ट्रैक्शन होती थी कि मैं पढ़ने बैठता था, मैं जो भी पढ़ता हूँ बहुत जल्दी उसको सीख लेता हूँ, काफ़ी अच्छे ढंग से सीख लेता हूँ, बट सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता। 1 महीने पढ़ा फिर तकरीबन 15-20 दिन मैं ड्रॉप कर देता था। और ये बात तो है। यहाँ आने के बाद अभी तक तो यूँ तो अभी तकरीबन 1 सप्ताह होने को है, तो बाकी मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक होती है या नहीं वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक कंसिस्टेंसी मेंटेन है। मोबाइल जमा करके कैसा लगा? मोबाइल जमा करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी बाबू सोना की कोई चक्कर है नहीं। ये बात तो सही है, जो रियलिटी है। हाँ जी हाँ जी। और मेरी वास्तविक टाइम यूं बीत जाती थी मोबाइल पे कि जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लेता था कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता था और मोबाइल के उतने नॉलेज भी हमें नहीं है, इस वजह से जो है सो बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आ जाती थी, ना चाहते हुए भी हमें पढ़ाई ब्रेक करके उस नोटिफिकेशन को देखना पड़ता था। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मोबाइल जमा है, आने वाले समय में हो न सके तो मैं 15 दिन के लिए मोबाइल जमा करूँगा क्योंकि मोबाइल से मुझे कोई लेना देना है नहीं। काफ़ी बच्चों को गुरुकुल में खाने की दिक्कत रहती है, तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? वो घर से बाहर निकलने के बाद खाने पीने में जो प्रॉब्लम होती है उनके अपेक्षा गुरुकुल में सही है, घर के जैसे नहीं है, इस बात में कोई मतलब दोहराई नहीं है। हाँ जी। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद जिस तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं, इधर आप मेस में खाओ या होटल में खाओ या खुद से बना के खाओ, उसके अपेक्षा ठीक है। यानी मेन मुद्दा पढ़ाई होना चाहिए, खाना नहीं। मेन मुद्दा इस 6 महीने तो पढ़ाई ही होनी चाहिए। आपकी कम से कम कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे? मिनिमम 10 घंटे हो जाते हैं। मिनिमम 10 घंटे, मैक्सिमम मैं 11.5 घंटा कर लेता हूँ। अच्छा, क्लासेज होती है आपकी? जी क्लासेज होती है। अभी तक मैंने इंग्लिश पढ़ी है जो सबसे अच्छी हमें लगे इंग्लिश की क्लास। अभी जैसे आप ट्रिक के साथ वोकैब पढ़ रहे हो? जी जी। तो आपको वोकैब बिल्कुल एक आध सुना दीजिए ना। जैसे पुल अलोंग फेस, इट मीन्स सैड, इन अनदर वर्ड यू कैन से ग्लूमी। हाँ जी हाँ जी। या एग्जैक्टली। एंड क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट मीन्स व्यर्थ का पछताना। और क्राई फॉर द मून, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि किसी अनचाहे वस्तु की कामना करना जिसको पाना मुश्किल हो। यानी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से याद हो रही है? चीजें बेहतरीन ढंग से याद हो रही है। ट्रिक भी बता दीजिए अगर आपको याद हो तो। जैसे एसिड्यूस, एसिड्यूस मतलब होती है हार्ड वर्क। ये सबसे पहला चैप्टर का है, कोई बीच से बताइए। लेथार्जिक, लेथार्जिक पढ़ा दिया? लेथार्जिक, लेथार्जिक मीन्स होता है आलसी, ठीक है। और मैं अभी तक जैसे हार्ड नट टू क्रैक है, अगर किसी नट को मैं हाथ से क्रैक करने की कोशिश करूंगा तो वो स्वाभाविक सी बात है वो बहुत जटिल काम हो जाएगी। और इसी तरह के तो हैं, और अभी तक तकरीबन मैंने, खुशी की बात है कि 350+ EDM मैंने याद कर लिया। आपने आपने यहाँ मैनेजमेंट वगैरह से बात की, आपको मैनेजमेंट का व्यवहार और मैनेजमेंट कैसा लगा? मैनेजमेंट से मेरी अभी तक केवल बात एडमिशन के टाइम में हुई थी, उसके बाद मैं अभी नहीं तक जो सुबह आपको उठाने आते हैं, आपका इंटरेक्शन तो डेली चलता रहता है तो अभी फिलहाल लग रहा हूँ, अभी फिलहाल मुझे 7 दिन होने को ही है तो अभी तो मैं एनर्जेटिक हूँ, तो मैं उठाने जब भी आते उससे पहले मैं नहा के रेडी रहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि 7:30 बजे उससे 10 मिनट पहले वो उठाने आते हैं और जिस समय वो उठाने आते हैं उसके बाद
हमें परेशानी फेस करनी पड़ती है वॉशरूम की, नहाने की, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उससे आधे घंटे पहले ही उठ जाता हूँ क्योंकि सब एक साथ भीड़ लगा देते हैं और उस समय में जिस समय सब सोए रहते हैं उस समय मैं नहा के फ्रेश। अच्छा भाई ये बताइए आपको गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला था? गुरुकुल के बारे में हमें यूट्यूब से ही पता लगा,